तो थोड़े दिन पहले मैं अपने लैपटॉप में यूट्यूब देख रहा था और अचानक फ्रॉम नोवेयर एक मूवी का सजेशन आया। मूवी का नाम था मुगले आजम, वो भी कलर्ड वर्जन। इट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी कि पता नहीं, मैंने कभी ना तो उसके बारे में कुछ सर्च किया, कुछ भी नहीं, ऐसे रैंडम रिकमेंडेशन में वो मूवी आया और मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं कि क्या है। तो क्लिक किया एंड इट वॉज द फुल मूवी। आई थिंक 3 घंटे की मूवी है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा। फ्रॉम द फर्स्ट सीन जब मैंने देखना शुरू किया, आई गॉट हुक्ड एंड मैंने पूरा मूवी देखा। वो इतना पुराना मूवी है, वो पूरी मूवी 3 घंटे की मैंने देख ली और वो मूवी देखने के बाद मुझे इमीडिएटली पता चल गया कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में किस मूवी के बारे में डिस्कस करनी है। स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मुझे अपने वीडियो में ब्राइटनेस बढ़ाना चाहिए, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं इससे ज़्यादा ब्राइट क्या करूँ। इट लुक्स फाइन टू मी, एटलीस्ट मुझे तो ठीक ही लगता है। तो अब बात करते हैं मूवी की। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। तो कहीं कहीं पे ऐसा बोलते हैं कि 14 साल लग गया था, कहीं कहीं पे बोलते हैं कि 10 साल लग गया था। बट इसी मूवी के ऊपर राजकुमार केसवानी, जो खुद एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस मूवी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है दास्ताने मुगले आजम। खुद रिसर्च करके उन्होंने लिखी है और मेरे इस वीडियो के बहुत सारे फैक्ट्स मैंने उसी बुक से लिए हैं। मैंने बुक खरीदी नहीं है, लेकिन रिसर्च में मतलब मुझे उस बुक के जो भी फैक्ट्स मिले वही मेरे इस वीडियो के लिए सोर्सेस हैं। एंड उनके बुक के मुताबिक इस मूवी को बनने में 9 साल लग गए थे। और इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का भी थोड़ा असर पड़ गया था इस मूवी के मेकिंग में। एंड के आसिफ, करीमुद्दीन आसिफ जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, ही वांटेड एवरीथिंग परफेक्ट। तो एक एक सेट को बनने में 9 महीने से 12 महीने का टाइम लगता था, मतलब एक एक साल सिर्फ एक एक सेट को बनाने में। एवरीथिंग वाज क्यूरेटेड। तो अभी संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर जो गेम खेल रहे हैं, वो गेम के आसिफ ने तभी खेल लिया था बिफोर इट वाज इवन कंसीडर्ड कूल। और आजकल की दुनिया कुछ ऐसी बन गई है कि लोग कुछ नामों को मिला के कुछ कहानियां बना लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम शमीम है, मूवी है मुगले आजम, बनाया था के आसिफ ने। बट मैं बोल देता हूं कि इस मूवी के जो सिनेमाटोग्राफर थे उनका नाम था R.D. माथुर एंड ही हैज डन ए फिनोमिनल जॉब। मतलब इतिहास बना दिया जो बोलते हैं ना। सो जो चीज जहाँ पे नहीं होती है उस चीज को वहां पे नहीं खोजते हैं। के आसिफ एक्चुअली इस मूवी को पूरा कलर में बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से 20 रील्स का शूट हुआ था। मतलब 20 रील मिला के जितना फुटेज होता है उतना शूट हुआ था इस पूरे मूवी के लिए, बट वो पूरे मूवी को कलर में नहीं कर पाए। पर जो प्यार किया तो डरना क्या गाना था, वो उस जमाने में भी उन्होंने कलर में ही शूट किया था। और जैसे कि आप लोगों को कहानियां मालूम ही होगी कि उस गाने में मतलब हर डिपार्टमेंट ने एकदम फिनोमिनल जॉब किया था। तो सिर्फ उस शीश महल, मतलब के आसिफ को चाहिए था शीश महल, छोटे छोटे ग्लासेस के पीसेस से बना हुआ उनको महल दिखाना था, और सिर्फ उस सेट को बनाने में ही 12 महीने लग गए थे, मतलब 1 साल सिर्फ उस सेट को बनाने के लिए। ऐसा भी मुझे फैक्ट मिले कि उस गाने में जो कपड़े थे वो एक म्यूजियम से क्यूरेट किए गए थे सिर्फ उस गाने के शूट के लिए। बट जब आप एक पूरा सेट सिर्फ मिरर से बनाते हो तो शूटिंग में जायज है कि बहुत सारे डिफिकल्टीज आपको आएंगे। एंड द फर्स्ट डिफिकल्टी इज कि कैमरे का रिफ्लेक्शन। एंड और एक चीज मैं बता देता हूँ कि उस टाइम पे इंडिया में जो कलर्ड ग्लास होते थे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उस सेट के लिए ग्लासेस बेल्जियम से मंगाए गए थे। और इतना सब कुछ करने के बाद जब वहाँ पे कैमरा लेके गए, इनफैक्ट लाइटिंग भी, तब क्या हुआ, कैमरे का रिफ्लेक्शन भी हर सीन में आ रहा था एंड लाइटिंग भी उस टाइप से बिहेव नहीं कर रही थी जैसे सिनेमाटोग्राफर R.D. माथुर को चाहिए था। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस ऐसे भी हैं कि हॉलीवुड से कुछ लोगों को बुलाया गया था, तो उन लोगों ने भी बोला कि यार कैसे होगा, ये नहीं होगा। बट देन मुझे यहाँ पे 2 फैक्ट्स मालूम चली कि किसी किसी जगह पे ऐसा बोला जाता है कि R.D. माथुर ने उस चीज़ को सॉल्व किया था बाय पुटिंग मोम, मतलब वैक्स का एक छोट मतलब हल्का सा परत ग्लासेस के ऊपर डाल के उन्होंने उन रिफ्लेक्शंस को किल किया था विदाउट किलिंग द ग्लास इफेक्ट। वो एक मुझे फैक्ट मिला। और कहीं के भी मुझे ऐसा फैक्ट मिला कि जो कलर का जो ग्लास मतलब जो ग्लास का कलर था उसी कलर का मतलब पतला जो कपड़ा होता है ना सोरा ट्रांसपेरेंट कपड़ा, उसको उसके ऊपर चिपकाया गया था एंड देन वैसे शूट करके उन रिफ्लेक्शंस को किल किया गया था। तो अभी मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा रियल है, बट मुझे पर्सनली वो कपड़े वाला चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है कि मे बी उन्होंने वैसा किया होगा, क्योंकि मोम आई डोंट थिंक कि मोम से वो चीज़ होगा, आई डोंट नो। एंड शूटिंग विथ लाइक रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोगों ने जो वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो गाड़ी वाली, तो वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था गाड़ी, और उसको शूट करने में हम लोग को इतने प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम लोग लाइट्स प्लेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दूसरा कैमरा उस लाइट के रिफ्लेक्शन को पकड़ लेता था। एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि कितनी डिफिकल्टी हुई होगी उस टाइम पे इस पूरे गाने को शूट करने के लिए। अब टेक्निकल बातें करें तो देखिए अभी क्या होता है ना, आई ऑलवेज थिंक कि जब भी मैं कोई मूवी देखता हूँ
तो अगर आप 90s के मूवीज को देखेंगे तो वहाँ पे ना आपको एस्थेटिक्स नहीं दिखता था कि मतलब बस ऐसे ही कैमरा रख के शूट कर ले तो वैसा होता था, लेकिन डायरेक्टर्स लाइक SS राजमौली या फिर जैक श्नाइडर, उनके फ्रेम्स को देखने से लगता है कि हर एक फ्रेम में कितनी सोच होगी। मतलब वो जो मैंने वो भी बोला था ना कि गोल्डन रेशियो ऑफ नेचर या फिर रूल ऑफ थर्ड, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड, वो सब कुछ ना बहुत ध्यान में रख के किया जाता था। एंड इंडिया में मैंने संजय लीला भंसाली या फिर टू सम एक्सटेंट रोहित शेट्टी के भी मूवीज में मैंने ऐसे देखे हैं, बट जब मैं ये मूवी देख रहा था तब मुझे पता चला कि के आसिफ और आर डी माथुर इन दो लोगों ने इस मूवी में एक्चुअली में वो सब कुछ चीज़ें की हैं। अगर देखोगे ना मूवी तो ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में ये एक मॉडर्न सिनेमाटोग्राफी का ही रिजल्ट हो सकता है, कि द वे शेडोज बिहेव, द वे फ्रेमिंग्स आर डन, फिर कहाँ कहाँ पे शैलो डेप्थ ऑफ फील, कहाँ कहाँ पे दो कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना है। एंड जब हम लोग विजुअल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो ग्लास वाला विजुअल है ये आप लोग को पता ही होगा, दिस इज अ वेरी फेमस विजुअल की हर तरफ अकबर को अनारकली दिखती है, तो ये वाला चीज़ तो है। एंड ये पॉसिबल है, आपको बस कैमरे को एक कोने में रखना होता है एंड यू शूट थ्रू द ग्लास, ये करना होता है, बिकॉज हियर यू कैन सी अनारकली फ्रॉम एन एंगल। अगर आप देखोगे ना तो अनारकली इज सीन फ्रॉम एन एंगल, इसका मतलब क्या है कि कैमरा एक साइड में रखा गया है, तो ये तो ठीक है, मतलब मैं इसको लुक डाउन ऊपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो विजुअल मास्टरी है उससे ज़्यादा मास्टरी है ऑडियो में, क्योंकि जैसे ही ये शॉट आता है तो ऑडियो इको होने लगता है, मतलब रिवर्ब होने लगता है। एंड उस टाइम पे ऑडियो रिवर्ब वॉज नॉट पॉसिबल, कि आपके पास वैसे मशीन या फिर वैसे फिल्टर्स नहीं थे कि आप ऑडियो में रिवर्ब डाल सको, तो इसको कैसे बनाया गया था, कि किसी किसी यूट्यूब वीडियो में ये फैक्ट है कि नौशाद जो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस मूवी के, उन्होंने लता मंगेशकर को ऐसे वॉशरूम के मतलब बाथरूम के अंदर जाके गाना गाने के लिए बोला था, वहाँ से रिकॉर्ड किया था, बट वो नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ फ्रॉम एन एक्चुअल इंटरव्यू फ्रॉम लता मंगेशकर। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो इको होता है, इको व्हाट इज़ इको, कि बेसिकली आपको एक ही सेम चीज़ बार बार सुनाई दे रही है, वही इको होता है, राइट। नौशाद मेड लता मंगेशकर सिंग दिस सॉन्ग, मतलब ये पोर्शन ऑफ द सॉन्ग अलग अलग तरीके से अलग अलग बार, मतलब बहुत बार उन्होंने, तो बेसिकली क्या है कि जो इको है वो मैन्युअली उन लोगों ने क्रिएट किया था बाय मेकिंग हर सिंग दिस पार्ट ऑल ओवर अगेन। तो ये सारी होती है टेक्निकल मास्टरी। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मैं वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ जैसे बातें आप मेरे वीडियो से एक्सपेक्ट करते हो, बट आई जस्ट कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं जब ये मूवी देख रहा था, देखिए अभी क्या है ना, ये मूवी अपने पॉप कल्चर में एट दिस टाइम थोड़ी पैरोडी की तरह बन गई है, मतलब ये जो प्यार किया तो डरना क्या, यही गाना भी ऐसे पैरोडी की तरह ही बनता है, या फिर न जाने कितने तो मैंने ये पृथ्वीराज कपूर के पैरोडी देखे हैं। बट जब आप ये मूवी देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट फनी, मतलब ये बहुत सीरियस ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। और ये जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, ये ऐसे एक मोमेंट पे आता है कि आपको लगेगा कि कितना रिबेलियस और कितना एक पावरफुल गाना है जब मूवी में ये गाना आता है। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग ना, तो ये गाना जब शुरू होता है तो पृथ्वीराज कपूर ऐसे हैप्पी हैप्पी रहते हैं, एंड बाय द टाइम दिस सॉन्ग एंड्स आप एक्टिंग देखिए, ही इज सो एंग्री, मतलब अगर बादशाह अकबर अगर इतना गुस्सा होकर मेरे सामने आके बोले कि एकदम डिलीट कर दो अभी यूट्यूब पे, मैं तो कर दूंगा। क्योंकि इनफैक्ट जब मैंने जोधा अकबर देखी थी, क्योंकि जोधा अकबर मूवी मुझे बहुत पसंद है, उस मूवी में ऋतिक के जो गुस्सा होने वाले सीन्स थे वो देख के ही मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार बंदे में पावर टू थी, मतलब कि बादशाह जो थे अकबर ही वॉज एक्चुअली वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। और ना आपको हॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज़ में बहुत सारे थियरीज आपको दिखेंगे कि ऐसे थियरी हो सकता है, मे बी दिस इज़ दैट, ऐसा ऐसा आपको बहुत सारे थियरीज मिलेंगी। वैसे थियरीज ना हम लोग को शायद इंडिया के मूवीज़ के बारे में नहीं मिलती है उतना ज़्यादा, बट बाय दिस वीडियो, इन दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू पुट आउट वन थियरी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जोधा अकबर मूवी है ये मूवी एक्चुअली मुगले आजम इस मूवी की प्रीक्वल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैच होती है, लाइक लुक एट दिस कॉस्ट्यूम एंड दिस कॉस्ट्यूम एकदम सेम, देन जो अकबर का जो वॉर कॉस्ट्यूम होता है वो भी पृथ्वीराज कपूर एंड ऋतिक रोशन दोनों का एकदम सेम है। एंड आई डोंट नो ये किसी मतलब हिस्टोरिक म्यूरल जो बोलते हैं ना हिस्ट्री में जो बुक्स रहती हैं वहाँ से दोनों डायरेक्टर्स ने लिया था, या फिर आशुतोष ग्वारिकर वॉज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस मूवी। एंड इनफैक्ट अकबर बादशाह की जो क्वीन रहती है वो जोधाबाई रहती है, जोधाबाई को अकबर बादशाह की क्वीन दिखाई गई है। सो बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं इन दोनों मूवीज़ में, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप जोधा अकबर देखोगे उसके बाद अगर आप मुगले आजम देखोगे तो एक ऐसा लगेगा कि पार्ट वन पार्ट टू है, ऐसा लगता है मूवी देख के। और अगर हम लोग ये सब कुछ भूल भी जाएं तो इस मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन भी है, कैन यू इमेजिन एंड क्रेडिट सीन,
जो हम लोग को लगता है कि मार्वल ने 2008 में जिस चीज़ को इन्वेंट किया हम लोग को ऐसा लगता है, बट इस मूवी में एंड क्रेडिट सीन है। तो बेसिकली क्या है कि आपको तो कहानी मालूम ही है कि बादशाह अकबर ऐसे अनारकली को दीवार में चुनवा देते हैं ऐसे, बट एट द एंड मतलब मूवी के एंड में एक्चुअली बादशाह अकबर अनारकली को छोड़ देते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता। इट्स अ सीन दैट इज देयर, आप सोचिए। एंड देखिए दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ओल्ड मूवीज राइट। आपको पता है कि एक टेक्निकल बैरियर होता है कि आप अगर आज के आई से देखोगे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना पड़ेगा तभी आपको एक्चुअल मज़ा आएगा। बट अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ देन कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है। एंड आप लोग को लग रहा होगा कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर मूवीज़ के बारे में बात कर रहा है तो इट डजेंट मेक सेंस राइट, कि ग्राफिक डिज़ाइनर मूवी मेकिंग से क्या ही सीख सकता है या फिर फिल्मों से क्या ही सीख सकता है। बट ऐसी बात नहीं है। देखिए जैसे क्या है ना, जब शोले मूवी का 3D रिलीज़ हुआ था, आप लोग को पता होगा आई थिंक 2007-08 के टाइम पे ही शोले का 3D रिलीज़ हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने शोले मूवी को रिविजिट किया था। एंड उस मूवी को रिविजिट करते वक्त मुझे पता चला कि कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे जब ठाकुर जय और वीरू के बारे में बताते हैं ऑडियंस को एंड द पुलिस इंस्पेक्टर, तो जैसे ठाकुर बात करते रहते हैं उसी टाइम ना एक ट्रेन की गूंज सुनाई देती है, कू करके एक ट्रेन की आवाज़ आती रहती है, देन कट टू नेक्स्ट सीन वो लोग ट्रेन के अंदर रहते हैं। तो देखिए ये चीज़ देख के ना मुझे उस टाइम पे ये सीखने के लिए मिला कि ओके ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर इफ़ यू हैव टू हाइड अ जंप कट तो आप पहले ऑडियो को इंट्रोड्यूस कराइए उससे पहले वाले सीन में, एंड देन आप धीरे से उस सीन को कट कीजिए, तो जंप कट है मतलब टाइम फ्रेम चेंज, लोकेशन चेंज, एवरीथिंग चेंज, बट फिर भी आपको जारी नहीं लगता है बिकॉज आपके साइकोलॉजी में वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और उस टाइम पे मुझे इन सब टेक्निक्स के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है कि इनको एक लेजिट टेक्निक है, इनका नाम भी होता है। बट ये जो एस्थेटिकल ऑब्जर्वेशन है कि किसी चीज़ को देख के सीखने का जो आर्ट है, ये मैं हमेशा से कोशिश करते रहता हूँ। एंड वी शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये एक बहुत अच्छी स्किल मैं मानता हूँ अपने ज़िंदगी में। एंड इन टर्म्स ऑफ दैट, ये जो मैंने बोला टेक्निकल कट, इस चीज़ का ना एक टेक्निकल नाम भी है जिसको बोलते हैं एल कट एंड जे कट। और एल कट वो होता है जब आपको नेक्स्ट सीन की आवाज़ पहले सुनाई देती है उस सीन के आने से भी, एंड जे कट होती है जब आप नेक्स्ट सीन को ऑलरेडी देख रहे हो लेकिन प्रीवियस सीन का ऑडियो फिर भी चल रहा है। और इन दोनों कट्स को एल कट और जे कट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप ये टेक्निक करते हो तो टाइमलाइन में क्लिप्स दिखती एल और जे की तरह है। मतलब दिस इज लाइक इनसेन, अमेजिंग, पता नहीं किसने सोच के निकाला होगा। एंड आई फील आज के जमाने में ना ग्राफिक डिजाइनिंग और छोटा मोटा वीडियो मेकिंग जो है वो एक्चुअली मर्ज हो चुका है, बिकॉज वीडियो इज द नेक्स्ट स्टेज, वीडियो इज द नेक्स्ट थिंग। इन लाइक अनदर 2-3 इयर्स स्टैटिक्स विल डाई, मुझे एकदम श्योरली पता है। सो इट्स बेटर कि आप ना थोड़ा थोड़ा वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग के बारे में भी सीख लो। आई कीप टॉकिंग अबाउट पीटर मैकेनन राइट, कि पीटर मैकेनन से मैंने वो इन कैमरा ट्रांजिशन सीखा कि कैमरे से कैसे ट्रांजिशन करते हैं, वो सब कुछ मैंने वो गोप्रो में भी ट्राई किया था। तो शोले मूवी में ना एक सीन है, अगर आपको वो ट्रेन फाइट याद है तो वहाँ पे एक सीन है कि जहाँ पे गोली चलती है, देन जूम इन, रिएक्शन, फिर से गोली चलती है, जूम आउट, फिर रिएक्शन। ऐसी टेक्निक आई एम श्योर कि हम लोगों ने किसी और दूसरी मूवी में नहीं दिखी है, मतलब सिर्फ कैमरे को यूज़ करके। और ये जो अमिताभ बच्चन वाला बैक जंप एंड किल है एंड देन दिस लुक्स, ये इतना बैडस मुझे लगता है ना। और ये जो वैनल सिंह वाला ये सीन है, मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ वाला ये सीन और ये सीन, आप समझ रहे हो ना, एस्थेटिकली दे वर ट्राइंग टू डू दैट, ऐसा मुझे लगता है। एंड वैसे मैंने पुराने मूवीज के टेक्निकलिटीज के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। एंड पुराने मूवीज के टेक्निकलिटीज के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो मैं एक और चीज आप लोग को बता देता हूँ कि जो फेमस गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये गाना अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग को बहुत लोग को पता होगा या फिर बहुत लोग को नहीं भी पता होगा कि एक्चुअली में उस ट्रेन में शर्मिला टैगोर कभी थी ही नहीं ये पूरे गाने में। मतलब शर्मिला टैगोर को किसी सेट में अलग से शूट किया गया है, एंड राजेश खन्ना वॉज मे बी देयर इन दार्जिलिंग वेन ही शॉट दैट सॉन्ग, बट इतने परफेक्ट कट्स हैं, इतने परफेक्ट एडिटिंग के साथ वो पूरे गाने को हम लोग को प्रेजेंट किया गया है कि आप कभी रियलाइज नहीं करते कि शर्मिला टैगोर वॉज एक्चुअली नेवर ऑन दैट ट्रेन, जो ट्रेन में वो राजेश खन्ना चेज करता है शर्मिला टैगोर को। सो दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। देखिए अभी ये जो गाने में जो परफेक्ट एडिटिंग है कि रिएक्शंस मैच करके फिर जो कम्युनिकेशन है विदाउट पुटिंग देम टुगेदर इन वन फ्रेम, ये सब कुछ जो है इसी को बोलते हैं एडिटिंग। इसमें ना कोई सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता कि ये एडिटिंग की सॉफ्टवेयर में हुआ, ये एडिटिंग की सॉफ्टवेयर में हुआ, इट्स ऑल अबाउट व्हाट स्टोरी यू आर टेलिंग। तो एडिटिंग वो होता है।
एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एडिटिंग की दो कंप्लीट अलग अलग शॉर्ट्स को मैच करके एक पूरा गाना बना दिया जो सालों से चला आ रहा है। अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों में से अगर किसी एक को भी ये रियलाइज नहीं हुआ था कभी भी, देन प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आप वो थे जिनको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि एक्चुअली दे वर नॉट टुगेदर। सो दैट्स इट गाइस। और ये वीडियो बनाते वक्त ना मुझे कैसा लगता था पता है कि अभी यहाँ पे बॉनफायर लगा हुआ है एंड वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर एंड जस्ट टॉकिंग, मुझे ऐसा फील हो रहा था एंड आई एम सो हैप्पी। पता नहीं ये वीडियो बना के मैं इतना क्यों हैप्पी हो गया, बट अगर आप भी मेरी तरह इतना हैप्पी हो गए हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, जस्ट कैजुअल टॉक। दिस वाज शमीम, यू आर वॉचिंग की बाकी भी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दाढ़ी लंबी हो चुकी है, काटने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत काम बढ़ गया यार, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। एंड अभी रात को कितने बज रहे हैं पता है, रात को अभी 12 बज रहे हैं एंड आई हैव टू डू टू वीडियोज़। जस्ट इमेजिन, ये वीडियो शूट करने के बाद मुझे अभी दो वीडियो करके उसके बाद सोना है।